ये आपका नाम? रमाकांत वर्मा, पिता का नाम तुलसीराम वर्मा। रमाकांत भाई, आपके साथ क्या हुआ है, घटना क्या बनी? सर, मेरे साथ, मैं गया था चाय लेके पुलिस स्टेशन, दो लड़के थे अंदर, मेरे भाई जैसे, एकदम जैसे घर जैसा रिलेशन है, उनको चाय देने गया था, पता नहीं कौन से मैटर में थे। तो सीधा मैं चाय दे करके निकल रहा था, धर्मेश धर्मेश करके हैं, धर्मेश दम्मा दम्मा उनको बुलाते हैं वो, और उनका एक आदमी आकर के मुझे पकड़ लिया, बोला यहाँ क्या कर रहा है। मैं बोला भाई चाय देने आया हूँ अपने लड़के को। तो बोले ठीक है तू ऊपर चल, ऊपर ले ले। फिर मुझे ऊपर ले गए मारने के लिए, धक्का मुक्की दिए, फिर ऊपर चार जन मुझे मिल के बहुत मारे, और पांचवा उनका ड्राइवर। चार जन में एक महेश चौधरी, धर्मेश, योगेश और एक ओडीए स्टाफ का पीएसआई, वो तो पहुँचते ही लाते लात मुझे मारने गए थे। मैं ऊपर घुसा अपनी केबिन से निकल करके, मैं बोला भी साहब मेरी क्या गलती हुई, मेरा कोई रीजन या कोई वो बताओ कि कंप्लेन या अर्जी। बोले नहीं मुझे मारने का मन हो रहा है, हाथ साफ करने का। कौन बोला था ऐसा? एक पीएसआई भी बोला था, महेश चौधरी बोला था, और योगेश भाई भी बोले थे, और धम्मा भी बोला था, धर्मेश भाई। किस किस चीज़ों से आपको मारा गया? मेरे को पट्टे से मारे हैं सर, और उससे भी मारे हैं, जो चौड़ा वाला मशीन का पट्टा आता है, डंडा लगा रहता है, उससे मारे 20-30 पट्टा मारे, फिर चलवाएं 10 मिनट, फिर लेटा करके फिर मारे, फिर पीठ पे मारे, हाथ से मारे, मुंह पे मुक्के से मारे, इस पर मारे। 70 मेरे पास 17,300 रुपये था जेब में, वो भी ले लिए। वो पैसा किसने लिया? वो पैसा उनका एक आदमी था, कालिया कालिया था, धर्मेश के साथ रहता है, जो ड्राइवर मुझे पकड़ा था, उसने मेरी जेब से पैसा निकाला। महेश ने बोला पैसा निकाल लो ताले का, और बोले अगर ये विस्तार में तू दिखेगा तो तेरों को बहुत मारूंगा, तेरा मैं इनकाउंटर कर दूंगा, हम जेल काट के आ चुके हैं। कौन बोला आपको ऐसा? ये महेश चौधरी बोला, और ये बोला धम्मा। और आपकी सर, आप कमिश्नर साहब से क्या मांगे? कमिश्नर साहब से ही मांग है कि कम से कम आप जेल के बाहर, लॉकअप के बाहर एक कैमरा लगवाओ, कम से कम जो पब्लिक जाती है सुरक्षित रहे, कि हर एक चीज़ डिस्टर्ब रूम में एक कैमरा लगवाओ, कि हर एक चीज़ ऐसा थोड़ी, हाँ कोई गुना हो गुने वाले को मारो, ऐसा नहीं, कोई चोर चीटर किया हो, कोई गुना हो, कोई धंधा गलत किया हो, उसके लिए मारो, लेकिन निर्दोष लोगों को ऐसे मारेंगे कौन बर्दाश्त करेगा।